अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इल्म की दुनिया। आज हम बात करेंगे आपके पेपर के मुतालिक, क्योंकि पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयर पर्सन की एक मीटिंग हुई जिसमें फ़ैसला किया गया मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के जो इम्तहानात कंडक्ट किए जाते हैं सालाना, उनका पेपर पैटर्न जो है वो तब्दील कर दिया जाए। लिहाजा पंजाब के तमाम बोर्ड्स का जो पेपर पैटर्न है 2022 में वो तब्दील कर दिया जाएगा, और आपका जो नया पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह होगा। उसमें 20% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मुख्तसर सवालात एमसीक्यूज़ टाइप, और उसमें 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह आपके जो 30% दोबारा क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यानी उनके आपने जवाबात जो है वो तफसीली देने हैं। आपका जो पेपर पैटर्न नया होगा वो ये कैम्ब्रिज तर्ज पर होगा, कॉन्सेप्शनल आपके सवालात तमाम होंगे, रट्टा सिस्टम का ये खात्मा होगा। यानी वो तमाम तलबा जो अपनी तैयारी करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि आया उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं। अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उनकी लर्निंग ठीक होगी, तब ही वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे, वरना किसी भी सूरत वो तालिब इल्म जो रट्टा लगा रहा कर आया होगा वो क्वेश्चन का आंसर देने का आहल नहीं होगा। इसलिए आप तमाम तलबा को बताया जाता है अपने कॉन्सेप्ट्स अभी बेसिक अभी इसी स्टेटस पर इसी पोजिशन पर आप उनको क्लियर कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, उनको दुरुस्त कीजिए, क्योंकि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिनको क्वेश्चन की समझ आएगी, वो ही सवालात के जवाबात दे पाएंगे। आपके लिए इस हवाले से जो भी तफसील आती रहती है इल्म की दुनिया आप तक लाता रहता है, क्योंकि अब आपका जो पेपर पैटर्न है कैम्ब्रिज की तर्ज पर किया जा रहा है, जिसमें 20% MCQs आपके होंगे, 50% शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 30% लॉन्ग क्वेश्चंस आपके होंगे। और ये आपके तमाम क्वेश्चंस जो है सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं पूछे जाएंगे, पूरे चैप्टर में किसी भी जगह से आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का अंदाज एंगल कोई भी ही हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वो तमाम तलबा जिनके कॉन्सेप्ट